यार उसने महंगाई की है, बेरोजगारी की है, ठीक है, बावजूद उसके आप उसके साथ खड़े हुए हैं, ये कहाँ का इंसाफ है? जो रोटी का वादा है ना वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किया हुआ है। अगर मुझे ये मौका मिले कि मैं इमरान खान साहब के राह पे कुछ जाऊँ, कुर्बान हो जाऊँ, तो मुझे कोई फिक्र नहीं। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या नाम है आपका? अब्दुल वहाब नाम है, बाजौर से रहने वालों। अच्छा आप बाजौर से हैं। अच्छा अब्दुल वहाब, आप ये बताएं कि अपोजिशन की तरफ से जो तरीके आदम एतमाद जमा करवाई गई इमरान खान के खिलाफ, आपके मुताबिक क्या वो कामयाब हुई है या वो नाकाम हुई है? इमरान खान कामयाब हो गई। जब वोटिंग ही नहीं हुई तो इमरान खान कामयाब कैसे हो गया? वो कह रहे इया का नाबुदु व इया का नस्ताईन, बेशक हम उसकी इबादत करते हैं, उसी से मदद मांगते हैं, ठीक है, लेकिन जब वोटिंग ही नहीं हुई तो इमरान खान कामयाब कैसे हुआ? वोटिंग इसी वक्त अल्लाह के उसके साथ मदद है और अल्लाह ने उसकी कामयाब कर दिया। कहना है कि वो इस दफा भारी अक्सरियत से वापस आएंगे इंशाल्लाह ताला। इमरान खान ने लोगों का जीत जिताया, दिल जिताया, इंदा के लिए अभी इमरान खान आएगा और अभी भी इंशाल्लाह ताला इमरान खान अच्छे पोजीशन पे है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है कि ये चोर लुटेरे जो है ना ये पाकिस्तान की सियासत से खत्म हो गया हमेशा के लिए, इसका सियासत जो है ना हमेशा के लिए दफन हो गया। मेरे फरीदी ये बताइए कि तहरीक आदम एतमाद जो इमरान खान के खिलाफ अपोजिशन की तरफ से जमा करवाई गई थी, आपके मुताबिक क्या वो कामयाब हुई है या नाकाम हुई है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये अपोजिशन की तरफ से नाकाम और खान साहब की तरफ से बिल्कुल कामयाब हुई, क्योंकि उसको पता है जरदार की सारा पैसा, जमा होने वाला पैसा इमरान खान ने जाया किया उसको, और मैदान छोड़ना शेरों का काम नहीं है, वो लंदन में जो बाबू बेटा हुआ है ना उसका काम है। हमारे खान साहब शेरों की तरह हैं, किसी को उसको हारना भी आता है और जीतना भी आता है। ये जो कुत्तों की तरह बोंग रही है ना, उसको पता है कि कौन जीतेगा अगला हुकूमत। इमरान खान नियाजी हमारा खान है, हमारा पता है, जिंदाबाद इमरान खान। इमरान खान ये पाकिस्तान का अगला इलेक्शन जो है ना वो जीत जाएगा इंशाल्लाह। हम सब इसके, हम अपने कौम को ये बात बताता हूँ कि निकलो अपने पुराने मुस्तकबिल के लिए। ये जो कस्टम चोर है ना, ये सब कुत्तों की तरह बोंग रही है, किसी को सियासत में हक नहीं है, सिर्फ वाहिद इमरान खान है जो पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हैं। जबरदस्त यार, जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद इजाज। मोहम्मद इजाज। अच्छा इजाज भाई, आप ये बताइए कि आपके मुताबिक तरीके एतमाद कामयाब हुई है या नाकाम है? नाकाम हो गई है जी। नाकाम हो गई है। जब वोटिंग ही नहीं हुई तो ये आप किस तरह से कह सकते हैं कि तरीके एतमाद नाकाम हो गई? इस तरह से जो दिख रहा है ना, मुझे इस चीज का पता है कि मैं जब से पैदा हुआ हूँ ना, मैं अगर गलत हूँ ठीक है तो मुझे सारी दुनिया ही नजर आएगी। ये हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद हदीस मुबारक में लिखा है, ठीक है, वो फरमाते हैं कि अगर बंदा खुद अच्छा है ना तो वो कहते हैं सब ही अच्छे हैं, अगर वो बताते खुद गलत है वो कहते हैं सब ही गलत है, उसको ऐसा ही नजर आता है, ठीक है। ये जो बंदे हैं ना ये खुद गलत है ना, इन्होंने क्या किया? नवाज शरीफ साहब ने 15 साल हुकूमत की क्या किया? हम जो 3 साल का हिसाब मांगते हैं वो 15 साल का हिसाब देना, उन्होंने क्या किया? मुझे तो कुछ दिखाया नहीं। अगले इलेक्शन में किसको सपोर्ट करेंगे? इमरान खान साहब को। तक ये सांस चल रहे है, अगर अल्लाह ने और इस सांस ने मेरे साथ वफा किया तो मैं इमरान खान साहब के साथ ही खड़ा हूँ और दूसरा तीसरा बंदा मैं नहीं आने दूंगा। आपके मुताबिक इमरान खान इस दफा भारी अक्सरियत से वापस आएंगे? इंशाल्लाह ताला वो आएंगे। मैं बजाते खुद, यार उसने महंगाई की है, बेरोजगारी की है, ठीक है, बावजूद उसके आप उसके साथ खड़े हुए हैं, ये कहाँ का इंसाफ है? जो रोटी का वादा है ना वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किया हुआ है, ठीक है, वो इमरान खान साहब ने नहीं देनी है। इमरान खान साहब हुकूमत चला रहे हैं, उन्होंने हुकूमत ही चलानी है। यानी कि आप इमरान खान की हुकूमत से मुतमईन हैं? मैं खुश हूँ, ठीक है, और रोटी जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वादा किया और वो दे रहा है, हर इंसान खा के सो रहे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी भूखा नहीं सोते, ठीक है। यकीन मान लो अगर मुझे ये मौका मिले कि मैं इमरान खान साहब के राह पे कुछ जाऊँ, कुर्बान हो जाऊँ, तो मुझे कोई फिक्र नहीं, क्योंकि कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? लाल करीम खान, आप ये बताएं कि आपके मुताबिक अपोजिशन ने जो तहरीक अदम एतमाद इमरान खान के खिलाफ जमा करवाई थी वो नाकाम हुई है या कामयाब हुई है?
सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि आदम एतमाद जमा करना और उस प्रोसेस पे उतरना, ये तो कानूनी हक है अपोजिशन वालों की। लेकिन बीच में जो आदम एतमाद है और इसको नाकाम बनाने के लिए जो कल स्पीकर साहब ने, बल्कि डिप्टी स्पीकर साहब ने रोलिंग जो दी है, ये गैर आइनी और गैर जमहूरी और गैर कानूनी है। क्या ये अमल गैर आइनी नहीं है कि कोई बैरून मुल्क में बैठकर हमारे हुकूमत के खिलाफ साजिश करे और अपोजिशन के साथ मिलकर इमरान खान को उतारने के लिए डॉलर्स में पैसा लगाए कि इमरान खान को उतारा जाए? क्या ये गैर आइनी अमल नहीं है? सबसे पहले तो इसका सबूत भी तो देना पड़ेगा, जिस तरह वो कह रहे तो जाहिर सी बात है। अब ऐसे बोला सियासी स्कोरिंग के, सियासी स्कोरिंग पे तो जाहिर सी बात है, सियासी स्कोरिंग तो होता रहता है। उन्होंने कहा था कि भाई मैं गुर्बत का खात्मा करूंगा, मैं तब्दीली ला के दूंगा, मेरे पास नहीं जाऊंगा, उनके पास जिस तरह ये बच्चे इधर इंटरफेरेंस कर रहे हैं एक इंटरव्यू के बीच में, जाहिर सी बात है इसी तरह उन्होंने भी अपना मुजाहिरे किया है। अब ये कि सबसे पहले इनको आदमी इत्मीद से पहले इनको रिजाइन दे देना चाहिए। इमरान खान ने जब अपने 5 साल पूरे करने थे तो तब ही उसने अपने वादे भी पूरे करने थे ना। अच्छा, अगर आप मुझे ये बताएं 5 साल अपोजिशन ने पूरे ही नहीं होने दिए तो वो हाउ इज पॉसिबल कि वो 3.5 साल में अपने वादे पूरे करता? अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि उन्होंने कल असेंबली तहलील गई, अब मुझे ये बताओ कि भाई ये आदमी इत्मीद कामयाब हुआ या इन्होंने खुद रिजाइन किया, ये इन्होंने खुद असेंबली तहलील दी? सलीम हाशमी साहब, आप ये बताएं कि अपोजिशन की तरफ से जो तहरीके अदम एतमाद इमरान खान के खिलाफ जमा करवाई गई, आपके मुताबिक वो तहरीके अदम एतमाद कामयाब हुई है या नाकाम हुई है? इसके लिए हमें थोड़ा सा पस मंजर में जाना पड़ेगा। अपोजिशन का मकसद था इस नाएल हुकूमत खात्मा, जैसे भी तरीके से इस नाएल हुकूमत से आवाम की जान छुड़ाने थी। अल्हम्दुलिल्लाह बगैर उठें के वो दुम दबा के भाग गया, विकेट समेत बल्ले और गेंद को भगा के ले गया। तो इससे और अपोजिशन की कामयाबी क्या हो सकती है? जिस बंदे के 155 MNA 53 कैबिनेट की वजीर और एक वजीर अजम पारे हो जाए, जो पदुररहमान भी यही चाहता था, शहबाज शरीफ भी यही चाहता था, पूरा पाकिस्तान यही चाहता था, तो वो भाग गया। इमरान खान की जो हुकूमत है या जो उसके वजीर हैं, उनका ये कहना है कि अपोजिशन ने जो तरीके अदम एतमाद जमा करवाई थी वो गैर आइनी इसलिए थी क्योंकि वो एक गैर मुल्की साजिश का नतीजा थी, जिसकी वजह से उन्होंने इसको गैर आइनी करार देकर मुस्तरद कर दिया। इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि क्या वो गैर मुल्की साजिश थी या नहीं? उनमें जुरत होता, अगर उनमें जुरत होता तो आके मुकाबला करता। ये लोग जो चीख नाक लगा रहे ना, ये बेचारों इसके पास दलील नहीं है, वो हार गया है, अपना वजीर आजम खूब गया है, वो हार गया है, वो फिर भी चीखे लगा रहे। अब इनकी चीखों से पता चल जाता है, चीखों से पता चलता है कि अपोजिशन ने उसके सही जगह पे पैर रखा हुआ था। हमदर्द भाई, आप ये बताएं कि आपके मुताबिक अपोजिशन ने जो इमरान खान के खिलाफ तरीके अदम एतमाद जमा करवाई थी वो नाकाम हुई है या कामयाब हुई है? ये तो सबको पता है, उसके शक्लों से पता चलता है PDM वाले के, अपोजिशन वाले के, वो नाकाम हुई है। ठीक है, अभी जो चीख रहे उसी चीखों से पता चलता है कि वो नाकाम हो गई, मुकम्मल तौर नाकाम हो गई। अच्छा, मुझे ये बताए कि एक बंदा एक घर को दाखिल होता है, वो गेट से दाखिल होता है या दीवार से दाखिल होता है? यकीनन सदर दरवाजे से दाखिल होना चाहिए। अच्छा, ये दीवार से दाखिल होना चाहते थे क्योंकि उसने फिक्सिंग की हुई थी, उधर यहूदी उससे मिले हुए थे। ठीक है, एक साजिश के तहत उसका एक बगोड़ा उधर लंदन में बैठा हुआ है। ठीक है, उसकी साजिशों की वजह से उसने एक प्लान बनाया था, इधर फिक्सिंग किया, पैसे खर्च की, करोड़ों रुपए पैसे खर्च किए। उधर आपने नहीं देखा, उधर सन हाउस में जो बैठे थे वो शराब पी रहे थे और उसको करोड़ों रुपए, 20-20 करोड़ रुपए ऑफर हुए थे।